press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट कोड बताने वाला हूं, अगर आप अपने मोबाइल में उस सीक्रेट कोड को डायल करते हैं तो आप ये जान सकते हैं कि आपका आधार कार्ड किस किस बैंक से लिंक है और आप उसमें चेंज भी कर सकते हैं, उसे कंफर्म भी कर सकते हैं और भी प्रधानमंत्री जनधन योजना और भी बैंक की स्कीम के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको अपना डायलर पैड ओपन करना है। जैसे मैंने डायलर पैड ओपन कर दिया है तो यहाँ पे आपको एक नंबर डायल करना है *99*99#, और इसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। लेकिन दोस्तों आपको सिर्फ वही सिम सेलेक्ट करना है जो सिम आपके बैंक में लिंक है। तो मेरा आइडिया का नंबर जो है वो बैंक में लिंक है, आइडिया पे क्लिक कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं एरर का ऑप्शन आ चुका है, तो फिर भी कोई बात नहीं, यहाँ पे आप 1 डायल कर दीजिए। 1 डायल करने के बाद आपको सेंड पे क्लिक करना है। अगर दोस्तों आप 2 डायल करते हैं तो उसमें आप बैंक जनधन योजना के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए प्लीज एंटर 12 डिजिटल ऑफ आधार नंबर, तो मैं यहाँ पे अपना आधार नंबर डालता हूँ। आधार नंबर डालने के बाद आपको सेंड पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों ऑप्शन आएगा यू आधार नंबर इज, आपका आधार नंबर आएगा और 1 पे आएगा कंफर्म और 2 पे आएगा चेंज। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो 2 डायल कर दीजिए। अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आधार नंबर किस बैंक से लिंक है, तो आप 1 डायल कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे 1 डायल कर देता हूं। और 1 डायल करने के बाद देखिए यह आधार नंबर किसी भी बैंक में लिंक नहीं है, क्योंकि ये बोल रहा है सॉरी द आधार नंबर यू हैव एंटर्ड इज नॉट लिंक विद एनी बैंक। तो ये मेरा आधार नंबर किसी भी बैंक में लिंक नहीं है। अगर आपका आधार कार्ड किसी भी बैंक में लिंक होगा, 2 बैंकों में, 3 बैंकों में, तो सबका नाम आ जाएगा, उसे आप चेंज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।